13 अगस्त 1947, ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947, ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। तलुए सुबह आजादी यहाँ से शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आयज़ा ने। आज जिस तरह हम सब जानते हैं, पाकिस्तान का 76वां यौम आज़ादी है। 14 अगस्त एक अहम दिन है, वो दिन जो हमारे अजहान की तस्कीन, हमारे दिलों की उमंग, हमारी खुशियों का सबब और नए रंगों के परवान का दिन है। आज भी अगर हम यौम आज़ादी की बात करें तो वो बचपन का वो दिन याद आता है जब सब्ज रंग के परचमों की बहार से दिल बाग बाग हो जाता था। माह आज़ादी का आगाज़ होता ही था कि हमारे सीनों पर स्टिकर्स और बैजेस लगना शुरू हो जाते थे। हर गली में कहीं ना कहीं एक नन्ही मुन्नी दुकान नज़र आती और हम उस दुकान के गाहक बने होते थे। वो कैसा जज्बा था कि सबकी कोशिश होती थी कि उसका झंडा अलग थलग बड़ा और बुलंदोबाला हो। दुआ है कि ये हमेशा बुलंद तरीन ही रहे। लबों पर मिली तराने होते और खुशी होती, अब वो जज्बे मानंद क्यों पड़े हैं? क्यों बच्चों में वो पहले जैसा जज्बा नहीं रहा? खैर, यौम आज़ादी तजदीद अहद का एक पैगाम लेकर आता है कि जिस तरह हमारे आबाओ अजदाद ने इसे हासिल करने के लिए काविशें और कुर्बानियां दीं, बिल्कुल उसी तरह हमने भी इसकी तामीर के लिए जिद्दोजहद जारी रखनी है। तामीर वतन और तकमील पाकिस्तान के लिए नौजवानाने मिल्लत और जज्बा अहम हैं, उनकी सलाहियतें अहम हैं। उनकी मेहनत से ही मेरे वतन में रंगों की बहार होगी। अगर इस मुल्क के हसूल की बात की जाए तो दुनिया की बड़ी हिजरतों और 3 दिन में तकरीबन 6 लाख कुर्बानियां इसी आज़ादी के लिए दी गईं। बाकी हमें फिर से ख़ुद को एक कौम बनाना है, वो कौम जिसकी फतह और कामरानी की खुशबू कायद आज़म ने महसूस की थी। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिससे अंदेशा जवाल ना हो। बानिए पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क़याम पाकिस्तान के मौका पर अपने ख़ताब में कहा कि हमने पाकिस्तान हासिल कर लिया है, लेकिन ये हमारे मकसद की मौसम इब्तदा है, अभी हम पे बड़ी जिम्मेदारियां हैं। हसूल पाकिस्तान के मुकाबले में इस मुल्क की तामीर के लिए कहीं ज़्यादा कोशिशें करनी हैं और इसके लिए कुर्बानियां देनी हैं। कायद की ज़िंदगी ने वफा ना की और पाकिस्तान के शुरू के दौर में ही मुश्किलात में घिर गया। पाकिस्तान के हिस्से में तकसीम के मौका पर जो वसाइल आना थे वो भी भारत की जानिब से नहीं दिए गए। मुसलह अफवाज के लिए जो साजो सामान दिया जाना था वो भी नहीं मिला। माली वसाइल की तकसीम भी इसी तरह से नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए थी। इसीलिए पाकिस्तान को जब नक्शे पर उभरा तो उसको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हत्ता कि अमूरे मुमलिकत चलाने के लिए भी दरकार माली वसाइल नहीं थे पाकिस्तान के पास। हसूल पाकिस्तान का मरहला तो तय पा गया, लेकिन पाकिस्तान को दुश्मन अनासिर की साजिशों और जारितों का सामना रहा। कश्मीर की आज़ादी के लिए कौम और अफवाज को 1948 की जंग लड़ना पड़ी। फिर इसके बाद 1965, 1971 मारका कारगुल और फिर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग पूरी कौम ने मिलकर लड़ी। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान के 80,000 शहरियों और मुसलह अफवाज के जवानों और ऑफिसर्स ने जाने कुर्बान करके इस मुल्क की सालमियत को यकीनी बनाया। लेकिन देखा जाए तो आज़ादी के बाद जो कश्मीर हमारे हिस्से में आना था वो आज़ाद ना हो सका। आज हम तो खुले फिजा में सांस ले लेते हैं, लेकिन कश्मीर के लोग आज भी फिजा में सांस नहीं ले सकते, अपनी मर्ज़ी की आज़ादाना ज़िंदगी नहीं बसर कर सकते।
इसी पर पाकिस्तान की आज़ादी पर बात करेंगे। क्या जिस तरह आज़ादी का ख्वाब बाबा कौम कायद आज़म ने देखा था, क्या हमारी जो आज के लोग हैं, आज के जो अवाम हैं, आज की जो सियासत है, वो इस तरह गुजर रही है? क्या कायद का ख्वाब पूरा किया जा रहा है या नहीं? तो आइए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। बात करते हैं बाबर साहब से। जी बाबर औरंगजेब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं मैम? आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। सबसे पहले तो आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। जी खैर मुबारक, आपको भी जश्न आज़ादी मुबारक, और आपके तवज्जो से तमाम देखने और सुनने वालों को भी मुल्क पाकिस्तान का 77वां जो जश्न आज़ादी है वो बहुत बहुत मुबारक हो। सर सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जो आज का पाकिस्तान है और जो कायद आज़म ने जो पाकिस्तान के लिए ख्वाब देखा था, कि आज का पाकिस्तान वैसा है? अगर नहीं है तो कायद का पाकिस्तान बनने के लिए उसे कितनी मेहनत दरकार है? जी बिल्कुल, पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि हमारे यहाँ बहुत सी नेगेटिव चीज़ें हम लोग पहले करते हैं, अपने मुल्क के हवाले से दिखाते हैं, तो डेफिनेटली हम उन पे भी बात करें। लेकिन सबसे पहले आपको मैं बताता चलूं कि जब आज से 76 साल कबल लाखों कुर्बानियों के बाद ये प्यारा पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा था, ये दिन हमें आज़ादी के सरशार लम्हों से मकनार करता है। तो 1947 में जब हम बेसरो समानी के आलम में अपना सफ़र शुरू किया था, आज अल्लाह ताला के फजल करम से हम एक एटमी ताकत है और एक तेजी से तरक्की करती हुई कौम की हैसियत से दुनिया में जाने जाते हैं। अगर हम देखें तो 76 साल का ये अरसा हमने ऐसे नहीं गुजारा कि जिसे रहेगा कहा जाए या ऐसे कहा जाए कि हमने इसमें कुछ नहीं किया। हमने इस 76 साल में एक मजबूत फौज के मालिक हैं और एक पुरातम कौम हमारा सासा है। दुनिया में अमन के लिए हमारे करदार को तस्लीम किया जाता है। अकवाम आलम में हमने हमेशा एक मस्बत और जानदार मौकफ अपना कर अपने वजूद को हमेशा मनवाया है। इसी तरह हमने पार्लियामानी सियासी निज़ाम हुकूमत के लिए एक मुतफ़िक़ा आइन रखते हैं, जो बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिनमें आज तक आइन वहाँ पर मुतफ़िक़ा आइन नहीं है। इसी तरह अगर हम बात की जाए तो टेक्नोलॉजी के मैदान में भी हमारी तरक्की बड़े बड़े ममालक जैसी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जिन्होंने इस शोबे में तेज रफ्तार तरक्की की है। अगर हम बात करें, पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक की सबसे अव्वल में खड़ा है जहाँ दहशतगर्दी ने जिसको दहशतगर्दी ने इतना झंझोड़ा कि हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह इस दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंका है। और इस दहशतगर्दी को खत्म करने में हजारों जानों की कुर्बानी दी है। और आज हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के शहरों का मुकाबला कर रहे हैं। बिलाशुबा हमने अपनी इस गुजरे सफर में जहाँ पर बहुत कुछ खोया वहाँ बहुत कुछ पाया भी है, और लेकिन बींगा कौम हमें खुद एहतसाबी करनी चाहिए, अपना देखना चाहिए कि कौन सी ऐसी कमियां कोताहियां या खामियां थी जिन्हें हमें करना चाहिए था तो शायद हम मजीद बेहतर हो सकते थे। वो तो डेफिनेटली वक्त के साथ साथ हमें करनी भी चाहिए, लेकिन जहां बहुत सी नेगेटिव चीज़ें हैं वहां पर ये ऐसी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं हमें, वो जिससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि बासियत को हमें मायूस नहीं होना चाहिए। सर बेसिकली आज़ादी का असल मतलब क्या है? आज़ादी का मकसद गुज़िश्ता ये चंद दिनों से अगर हम वो देखें बासियत कौम जो हमारे सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड चल रहे हैं, कोई बायकॉट कर रहा है 14 अगस्त का, तो कोई जश्न आज़ादी का बायकॉट कर रहा है, इन चीज़ों को देखने के बाद बहुत दिल दुखता है, दिल कुड़ता है। तो फिर हमें आज़ादी की कदर कराने के लिए हमें जो हमारा पड़ोसी ममालक हमारा ब्रदर ममालक कश्मीर है उसकी जानब देखना पड़ता है कि आज वहां पर जो महकूम हैं उनका क्या हाल है। फिर हमें फलस्तीन की जानब देखना पड़ता है। फिर हमें रोहिंग्या के जो मुसलमान हैं उनको देखना पड़ता है कि शाम इसी तरह से दीगर ममालक जो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं हम उनको देखते हैं तो हमें कदर आती है कि आज़ादी है क्या। आज़ादी का मतलब एक ऐसी फजा जिसमें हम आज़ाद जी रहे हों, जिस पर हमें कोई रोक टोक नहीं है। अगर हम किसी भी दूसरे मुल्क में चले जाते हैं, अपने इस्लामी ममालिक सऊदीया में चले जाएं, दुबई चले जाएं, या इसी तरह से हम दीगर ममालिक में चले जाएं, तो जिस भी मुल्क में जाएंगे हमें उसका कानून उसका ला फॉलो करना पड़ेगा और हमें जिंदगी गुजारने के लिए उसकी मर्जी उसकी मंशा
उसकी इजाजत की जरूरत होगी। हम अपनी आजाद फिजा में आजाद तरीके से अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकते। तो इससे बढ़कर आजादी जैसी नेमत हमें और क्या हो कि आज हम अपने मुल्क में आजाद फिजा में हम लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। कोई हमें रोक टोक नहीं है, हमें कोई पूछने वाला नहीं है कि तुम यहाँ पर क्यों हो और कैसे हो, क्योंकि ये ही आजादी है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम आजाद फिजा में ना जिंदगी गुजार रहे हैं। आजाद फिजा में हम खुल के जो भी जो इंसान करना चाहता है, जो जिस फील्ड में जाना चाहता है, जो जैसा काम करना चाहता है, वो आजाद फिजा में कर रहा है। सर, जिस तरह आज हम आज़ादी मनाते हुए देखते हैं कि लोग सड़कों पर निकल आते हैं, वन व्हीलिंग हो रही होती है, बाजे बजाए जा रहे होते हैं, तो ये तरीका कार आज़ादी मनाने का तो गलत है। तो आजकल के लोग किस तरह आज़ादी मनाएं? जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो वाकई ये बात है कि आज हम जो आज़ादी मना रहे हैं वो किसी सूरत भी उस तरह से मनानी नहीं चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि आज जिस तरह से 76 साल कबल जिस तरह से आजाद हुआ ये मुल्क, हम उसकी अगर बात करें तो हम देखते हैं कि इन 76 सालों में जो उन्होंने कुर्बानियां दी, वो उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जिस तरह से लूटे पटे लोग हिजरत करके इस मुल्क में आए, खवातीन की साथ दुनिया उनकी इज्जतें लूटी गई, हमारे कितने बच्चे जिनको वहां पर कत्ल किया गया, हमारे कितने मर्द हजरात जिनको जिंदा दफन किया गया, वो बेसरोसमानी के आलम में वो लोग हिजरत करके आए। तो आज का ये दिन हमें उनकी उन कुर्बानियों को याद करना चाहिए, हमें ये याद करना चाहिए कि किस मुश्किल और नामसाहिद हालात में हमारे अबाओ अजदाद, हमारे जो बड़े हैं, वो यहाँ पर हिजरत करके इस मुल्क में आए हैं। तो बजाय इसके कि हम उनकी कुर्बानियों को याद करें या उनकी कुर्बानियों के सिल में हम उनके लिए दुआए मगफरत करें या उनके लिए कोई फातह अख्वानी का एहतमाम करें, तो हम बासियत कौम उल्टा दूसरी तरफ आ गए। हम लोग रात 13 अगस्त से जैसे ही 14 अगस्त का 12 बजते हैं तो हम लोग देखते हैं कि बाहर सड़कों पे लड़के निकल आए, वन व्हीलिंग कर रहे हैं, हर तरफ बाजे। आजकल तो ये चंद सालों से बाजा है, एक नई ईजाद आ गई हमारे मुल्क में, तो हर तरफ जनाब बाजों के शोर होता है। अब तो गली मोहल्लों में भी वो क्या कहते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने भी उधर मचा के रखा होता है। तो बेसिकली हम लोग जो आजादी का असल मकसद या हकीकत है उससे नाआशना हो गए। हम लोगों को आज तक ये मालूम नहीं है कि जिस आजादी के लिए हमारे अबाओ अजदाद ने इतनी कुर्बानियां दी थी, तो इतना उन्होंने अपना आप कुर्बान किया, अपना माल जायदाद, इवन की अपनी औलादें, अपने माँ बाप लोगों ने कुर्बान किए। तो हमें उस आजादी की जैसी नेमत को बुलाकर हम लोग आज बाजे, आज दूसरे जो रस्म और रवाज हैं उनको अपनाने लगे, जो यकीनी तौर पर तकलीफ दह अमल है। और बासियत कौम, हमारे जो बड़े हैं या हमारे मीडिया चैनल हैं या जो दीगर हैं, उनको चाहिए कि इसमें अपना किरदार अदा करें और एक पॉजिटिव चीज लोगों को दिखाएं कि असल में हकीकी आजादी असल हम लोगों ने कैसे की और उसको मनाना कैसे है। क्योंकि कोई भी सेलिब्रेशन है डेफिनेटली मनानी चाहिए, लेकिन उसकी कुछ अदूद और कयूद भी होनी चाहिए। ये नहीं आप रात को 12 बजे के बाद बाहर निकलें तो जो फैमिलीज हैं उनको भी डिस्टर्ब करें, किसी का कोई पता आता नहीं है, बस मोटरसाइकिल पे वन व्हीलिंग करते हुए जा रहे, तो आपके इर्द गिर्द जो फैमिलीज है या जो दीगर बच्चे हैं वो आपसे कितना मुतासर होते हैं। तो ये कौन सी आजादी हम लोग जिसका जश्न मना रहे हैं सर? तो इस जो आपने ये बात की है, इस तरह इसको सिखाने के लिए वालदैन का भी तो कुछ किरदार है, वो अपनी औलाद को कुर्बानियों के बारे में सिखाए, क्योंकि हुकूमत और एक मीडिया तो अपनी जगह सिखाए, इकदाम उठाए इसके लिए, लेकिन सबसे पहले एक आपको पता है जो बच्चा होता है उसकी सबसे पहली दर्जगाह माँ ही होती है, माँ की गोद होती है, तो वो उस वालदैन का तो भी तो फर्ज है कि वो इस चीज़ में आगे बढ़े। जी बिल्कुल ऐसे ही है, वालदैन तो बात आपकी मैं वही कोट करता हूँ कि जो माँ है वो पहली दरसगाह है, और इसके अलावा भी जो वालदैन है डेफिनेटली जो हमारे नानियाँ दादियाँ जो हमारे बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उन्होंने खुद जब पाकिस्तान बना तो उन्होंने पाकिस्तान बनते देखा, बहुत से लोगों ने हिजरत की, तो उस दौरान क्या क्या वाकयात उनके साथ पेश आए, तो वो सारी चीजें उन्होंने अपनी आंखों से देखी हैं। तो उन सब का काम बनता है कि जो अगली उनके आने वाली नस्ल है उनको बताएं
कि बच्चे ये जो आप लोग काम कर रहे हैं, ये आजादी जो आप लोग आज जश्न मना रहे हैं, इसके पीछे हमने किन किन कुर्बानियां दी हैं, किन किन कुर्बानियों से गुजर कर आज हम इस मकाम पर पहुंचे हैं कि आज आप लोग जश्न मना रहे हैं। तो बिल्कुल हमारे जो वालदेन हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनका काम बनता है जो आने वाली नस्ल है उसको तैयार करें और उसको बताएं, ताकि ये जो कुर्बानियों का सिलसिला जो हमारे आबाओ अजदाद ने दिया था, तो वो नसल दर नसल सबको पता चले कि किन कुर्बानियों से ये हमारा मुल्क बना है और इसके बनने में कितने लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं, कितनी माओं ने अपनी इज्जतें गंवाई हैं, कितनी बच्चियां, कितने जवान बच्चे जो इसके मौत के घाट उतारे गए हैं। तो उसके अलावा हमारे जो तलीमी इदारे हैं, हमारी जो दरसगाहें हैं, उनमें भी बकायदा 14 अगस्त के हवाले से या जश्न आजादी के हवाले से बकायदा हमें वहां पर लेक्चर्स होने चाहिए, वहां पर बताया जाना चाहिए कि 14 अगस्त हकीकत में है क्या। 14 अगस्त वाला जो दिन आज सेलिब्रेट हम कर रहे हैं, तो उस दिन असल में हुआ क्या था और उसको सेलिब्रेट करना कैसे है। तो ये बिल्कुल बाहसियत कौम हमें अपने जो आबाओ अजदाद हैं जिनकी कुर्बानियां हैं उनको याद रखने के लिए ये जरूरी है कि हमारी जो आने वाली नस्ल है उनको उनकी कुर्बानियां याद करवाई जाए। सर, अगर हम साथ ही कश्मीर की बात करें, क्योंकि आज़ादी के वक्त कश्मीर को तो भूला नहीं जा सकता, तो कश्मीर की आज़ादी कब तक मुमकिन है, कब तक वो आज़ाद फिजा में सांस लेगा? बिल्कुल, कश्मीर आज जहरी सी बात है, आज अगर हम आजाद हैं तो हमारा ममालिक, हमारा भाई ममालिक, हमारा शहराग पाकिस्तान जिसे कहता है, वो आज अगर आजाद नहीं है तो जाहिर सी बात है उस पर दिल कुड़ता भी है, दिल दुखता भी है। कल अगर इंडिया का योम आजादी, तो वो योम शोक के तौर पर, योम सियाह के तौर पर मनाएंगे। तो बात यह है कि कश्मीर के जो वहां पर कश्मीरी हैं, वो पिछले अगर आज 76 सालों से हम आजाद फिजा में जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, तो वो 76 सालों में पीछे हर गुजरते रोज एक नई दास्तान के साथ, दुख भरी दास्तान के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। क्योंकि आज अगर हम खुशियां सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वहां पर मातम दुख वाली कैफियत है, क्योंकि 14 अगस्त सेलिब्रेट करने पे वहां पर पाबंदी है, वहां पर कर्फ्यू की सूरत हाल होती है। तो कश्मीर की आजादी का जहां तक तल्लक है, तो बात वही आ जाती है कि माजी में हमने देखा कि करारदादे तक मंजूर हो गई हैं कि कश्मीर को, कश्मीर का जो मसला है, वो जो वहां के रहायशी हैं, वो मिल बैठ कर उसको हल होना चाहिए, उसको सॉल्व होना चाहिए। उस पे अक्वामे मुत्तहिदा में करारदाद भी मंजूर हुई, लेकिन ये जो मैटर है, देखते हैं हम के अक्वामे आलम जहाँ पर दीगर दूसरे मामलात होते हैं उनमें इंटरफेयर भी करता है, वहां पर उन पर बात भी करता है, लेकिन कश्मीर के इशू पे हम देखते हैं कि बिल्कुल खामोशी इख्तियार की गई है। अक्वामे मुत्तहिदा अपना जो हुक्म है, अपनी जो साल इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद जो अक्वामे आलम है, वो अपने ही उस इदारे में, अपने ही अक्वामे मुत्तहिदा के अंदर मंजूर की गई जो करारदाद है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करवा पा रहा। तो ये तो हमारे लिए भी लम्हा फिक्रिया है, बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारे बिल्कुल डेफिनेटली हमारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जहां पर बहुत सी बातें इनके अलावा हवाले से नेगेटिव आती हैं, लेकिन कश्मीर का जो इश्यू होता है, हमारी तमाम सियासी जमातें, हमारे तमाम सियासतदान कश्मीर के मामले पर एक पेज में होते हैं, और अक्वामे आलम में भी जहां पर भी उनको मौका मिलता है तो वो इस हवाले से उसका जिक्र भी करते हैं, और कश्मीर का खुलकर वो अपना बयानियां भी बताते हैं कि कश्मीर में वहां पर क्या क्या मजालम ढहाए जा रहे हैं। तो इस पर कब तक आजाद होगा, तो ये तो बात वही आ जाती है कि ये अक्वामे मुत्तहिदा जब तक नहीं चाहेगा, क्योंकि अक्वामे मुत्तहिदा में एक करारदाद मंजूर होने के बावजूद उस पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा, तो ये तो सवालिया निशान ही है पिछले 76 सालों से कि कश्मीर कब आजाद होगा, क्योंकि ये तो अक्वामे आलम पे ही डिपेंड करता है कि कब वो भारतीय के ऊपर, जो भारतीय हुकूमत है, जो भारतीय फौज है, जो जुल्म जबर कर रही है, जो अपना जुल्म का उनको शिकार किया रही है, तो कब उन पर अपना वो जोर डालेंगे, कब उन पर दबाव डालेंगे कि कश्मीर को उनकी आजादी मिल सके। सर, अगर देखा जाए तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को भी उतना ही वैल्यू, उतने ही हकूक दिए जाते हैं जितने मेजॉरिटी को दिए जाते हैं। तो अगर देखा जाए सिख बरादरी को देखा जाए, तो वो भी हमारे मुल्क पाकिस्तान में है, तो आज़ाद फिजा में ज़िंदगी गुजारे, तो इस तरह भारत में इस तरह क्यों नहीं है कि हमारे जो मुसलमान बहन भाई वहाँ पर हैं उनको आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने दी जाए?
जी बिल्कुल, हमारे मुल्क में बींग अ पाकिस्तानी हमें इस बात पे फख्र है और हमें प्राउड फील होता है इस चीज़ पे कि हमारे मुल्क में जितने भी गैर मुस्लिम बहन भाई हमारे हैं, इसमें ना सिर्फ सिख बल्कि हिंदू मजहब से तल्लक रखने वाले, क्रिश्चियन कम्युनिटी की बहुत बड़ी हमारे मुल्क में तादाद है, इसी तरह से दीगर मजाहिब से तल्लक रखने वाले जो अफराद हैं वो इस मुल्क में बसते हैं और अपनी आज़ाद फिजा में वो भी सांस हमारी तरह ले रहे हैं और उनको वही तमाम हकूक हासिल हैं जो आम हम मुसलमानों को यहाँ पर हासिल है। हम देखते हैं अगर कहीं पर जॉब आती है गवर्नमेंट की तो वहां पर बकायदा कोटा मुख्तस किया जाता है गैर मुस्लिम के हवाले से। इसी तरह से अगर हम नेशनल असेंबली की बात करें तो वहां पर गैर मुस्लिम के लिए बकायदा तमाम मजहब के हवाले से कोटा मुख्तस है। इसी तरह से सेनेट में बात की जाए या दीगर जो हमारे इदारे हैं या डिपार्टमेंट्स हैं उनमें बात की जाए तो बकायदा कोटा मुख्तस है हमारे जितने गैर मुस्लिम बहन भाई हैं उनके हवाले से। तो हमारे हाँ ये है कि ना सिर्फ तमाम को बराबरी के हकूक मिल रहे हैं बल्कि उनके हकूक के तहफ्फुज़ के लिए हुकूमत हर तरह से इकदाम भी करती हुई नजर आती है। और बात वही आपकी भारत वाली की जाए तो भारत में हम देखते हैं कि वहां पर अलग मजहब होने के बावजूद मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद वहां पर मुसलमानों के साथ, ना सिर्फ मुसलमानों के साथ बल्कि वहां पर जो दीगर मजहब के जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ भी बड़ा ऐसा रवैया रखा जाता है। वहां पर हम देखते हैं कि ईद कुर्बान के मौके पर उन्हें कुर्बानी नहीं करने दी जाती और अगर कोई कुर्बानी करे तो उसके साथ क्या सलूक किया जाता है। और इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि वहां पर जो मुसलमान खवातीन हैं उनकी असमत दरी की जाती है, उनकी इज्जतें लूटी जाती हैं, उनकी इज्जतें वहां पर महफूज नहीं है। और अभी पिछले दिनों एक वीडियो आई हुई थी, शायद आपकी नज़र से भी गुजरी और व्यूवर की नज़र से भी गुजरी होगी कि वहां पर वो एक जो इमाम मस्जिद हैं उनको आप बेदर्दी से वहां पर कत्ल किया गया। तो इंडिया के अंदर इंसानी हकूक की इतनी ज्यादा पमाली, बात आगे कश्मीर की हम कर रहे थे तो वो कश्मीर एक अलग चैप्टर है और उसी के साथ अगर हम इंडिया के अंदर खुद देखें तो इंडिया के जो हिंदू मजहब से तल्लक रखने वाले वो इंडिया के अंदर खुद वहां पर इंसानी हकूक की पमालियां कर रहे हैं और वहां पर मौजूद जो दीगर मजहब से तल्लक रखने वाले अफराद हैं मुसलमान सिख या दीगर मजहब से तल्लक रखने वाले उनके साथ ऐसा रवैया बरता जाता है, ऐसा बर्ताव किया जाता है तो जिससे उनकी जिंदगी काफी मुश्किलात से दोचार है। सर अगर देखा जाए तो अगर हम दोबारा कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीरी आज भी अपने अपनी तरफ से अपनी जितनी कोशिश हो सकती है वो योम आज़ादी मनाने की कोशिश कर रहे हैं, कर्फ्यू की ज़िंदगी में गुजार के इस तरह की ज़िंदगी गुजारना सर कितना मुश्किल है। जी बिल्कुल है, अगर हम जो आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं अगर हम चंद मिनट के लिए सिर्फ इस चीज को सोचें, अज्यूम करें कि अगर हम उनकी जगह पर होते या आज अगर हमें कैद कर दिया जाए या हमारी आजादी को सलब कर लिया जाए तो क्या गुजरेगी। तो वो जो पिछले 76 सालों से वहां पर गुजार रहे हैं और कोई भी ऐसा मौका वो खैर नहीं जाने देते, जब भी पाकिस्तान की योम आजादी होती है तो वो कर्फ्यू की सूरत हाल हो, पाबंदियां हो, वो उसके बावजूद पाकिस्तान का योम आज़ादी ना सिर्फ मनाते हैं बल्कि धूमधाम से मनाते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि हमारे मिली नगमे हैं वो वहां पर गाए जाते हैं, वहां पर हमारा कौमी तराना है वो वहां पर लगाया जाता है। तो इसी तरह से अगर हम देखें, इसी तरह से पाकिस्तान का कोई क्रिकेट मैच हो, पाकिस्तानी टीम जीतते तो उसका वहां पर बाकायदा से जश्न मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो बिल्कुल वो पाकिस्तान की हर खुशी में वो शामिल होते हैं और उनकी कोशिश होती है कि पाकिस्तान के जितने त्योहार हैं, पाकिस्तान की जो भी खुशियां हैं उनको वो सेलिब्रेट भी करते हैं और उनकी खुशी में खुश भी होते हैं। सर जिस तरह नौजवान होते हैं वो हर मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं, जो हमारे नौजवान हैं वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, तो आज के दिन की मुनासबत से आप क्या पैगाम देंगे हमारे आने वाले नस्ल को, हमारी नौजवान नस्ल को? हम यहाँ पर एक देखते हैं कि कायदे आज़म का एक फरमान था कि वो हमें आज तस्लीम भी कर लेना चाहिए कि हमने कायदे आज़म का जो फरमान था इत्तेहाद ईमान और यकीन मुहकम, हमने उसको फरामोश कर दिया है। खास तौर पर इत्तेहाद के मामले में हमारी सोच आज इंतशार का शिकार हो चुकी है। सियासी सतह पर हमने कौमी मफाद को पसे पुश डालकर जाती और ग्रोही झगड़ों को फरोग दिया है और कोई भी कौम मुंतशिर होकर तरक्की नहीं कर सकती। इत्तेहाद ही तरक्की का वाहिद रास्ता है।
इसलिए कायद आजम ने इस लफ्ज पर इतिहाद पर जोर दिया था। तो आज की जो यंगस्टर है उनको आज के दिन की मुनासिबत से यही पैगाम है, यही मैसेज है, यही सजेशन है कि हम सबको आपस के जो इख्तलाफात हैं, आपस की जो सियासी इख्तलाफात हैं, आज देखें सियासी इख्तलाफात इस हद तक पहुंच चुके हैं कि एक घर में मौजूद बहन भाई, आपस में कजन दोस्त, उन सब के आपस में इख्तलाफात इस हद तक बढ़ चुके हैं कि हम लोग एक दूसरे से कट के रह गए हैं। तो हमें चाहिए कि आपस के जो इख्तलाफात हैं, आपस की जो रंजिशें हैं, उनको खत्म करें और इस मुल्क का, इस मुल्क की आवाम का सोचें, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं। और सियासी हवाले से भी मेरा वही पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो पॉलिटिशियन है उनको भी चाहिए कि अगर ये मुल्क होगा तो उन्होंने सियासत यहाँ पर करनी है, इस मुल्क की आवाम होगी तो यहाँ पर वो रहकर सियासत करेंगे। तो इसलिए यही के यंगस्टर्स को भी और बीइंग अ पॉलिटिशियन को भी कि इस आवाम का सोचें, इस मुल्क का सोचें, क्योंकि अगर आप लोग इस मुल्क में रहेंगे, इस मुल्क का आवाम रहेगी, तो आप लोग पॉलिटिशियन भी पॉलिटिक्स भी कर सकेंगे। और इसी तरह से यंगस्टर को भी कि आप लोग इतिहाद अपने अंदर पैदा करें और ये जो मायूसी के साए छाए हुए हैं कि शायद पता नहीं क्या होने वाला है, बेशक मुश्किल वक्त है, मुश्किल लम्हात हैं, लेकिन हमें मुश्किल इस लम्हात में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और उम्मीद ये है कि उसको अपनी उम्मीद को कायम रखना चाहिए कि इंशाल्लाह अगर ये कोई बुरा वक्त, खैर नहीं हम कह सकते, मुश्किल वक्त हम इसे जरूर कह सकते हैं, अगर ये मुश्किल वक्त है तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त है वो अच्छा भी आएगा इंशाल्लाह। बाबर साहब यहाँ पे ये बताइएगा कि जो अगर देखा जाए ज्यादातर जो पाकिस्तानी हैं वो बाहर के ममालिक की तरफ जा रहे हैं नौकरियों की तलाश में, वसाइल की तलाश में, अपने रोजगार की तलाश में, तो क्या पाकिस्तान में इस किस्म की जो नौकरियाँ हैं, जो रोजगारी है, वो कम है या मुआशियत कम है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता चंद माह के दौरान एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पासपोर्ट बन रहे हैं जी, और जितने भी यहाँ के यंगस्टर्स हैं वो बैरूनी मुल्क जाने की कोशिश में लगे हुए हैं, हर कोशिश करते हैं। और मजे की बात मैं आपको बताता चलूं कि आज हम जश्न आजादी मना रहे हैं, आजादी का दिन मना रहे हैं, आज के दिन हम बरतानिया जैसे मुल्क से आजाद हुए थे। और मजे की बात यह है कि आज का जो नौजवान है, आज की जो नौजवान नस्ल है, वो उस मुल्क जिससे आज हम आजाद हुए थे उस मुल्क जाने के ख्वाब देख रही है, और ना सिर्फ जाने के ख्वाब देख रही है बल्कि उस वहां जाने के लिए हर तरीका कार भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कोई टंकी लगा के जा रहा है, कोई हुए और जराए इस्तेमाल कर रहा है, कोई अपने घर की सारी जमा पूंजी, तो कोई अपने आबाओ अजदाद की सारी प्रॉपर्टी फरोख्त करके वहां पर जा रहा है। तो बात यह है कि हम लोग जिस मुल्क से आजाद हुए थे आज हम लोग उसी मुल्क में जाने के लिए तड़प रहे हैं, मरे जा रहे हैं कि यार हम वहां पर किसी सूरत पहुंचे। और रही बात इस मुल्क के हवाले तो बिल्कुल जो हालात हैं आजकल और इस महंगाई की शरह में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, तो गरीब का तो बिल्कुल कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो ऐसे में ऊपर से रोजगार के जो मौके हैं वो भी उस तरह से नहीं मिल रहे, जो हमारे यंगस्टर हैं इतनी ज्यादा एजुकेशन हासिल करने के बावजूद उनको उस तरह से प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, उनको उस तरह से कोई जॉब नहीं मिल रही जहां पर वो नौकरी कर सकें और अपने घर का या अपना गुजर बसर कर सकें, तो उनमें एक मायूसी है, जाहिर सी बात है। तो वो फिर उनकी कोशिश यही होती है कि वो बैरूनी मुल्क जाकर एटलीस्ट ये है कि अपना मुस्तकबल संवार सकें। तो इस हवाले से तो हुकूमत को भी चाहिए कि जो हमारे नौजवान हैं उनमें जॉब का हवाले से करें, और जॉब के हवाले के अलावा भी इस मुल्क में ऐसे मौके फ्राहम करें, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर इतना बड़ा नहीं होता कि तमाम लोगों को उसमें एडजस्ट किया जा सके, क्योंकि हमारे मुल्क की 60% से ज्यादा आबादी यंगस्टर पर मुश्तमिल है। तो फिर तमाम नौजवानों को सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में वो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो प्राइवेट जो सेक्टर है उनमें ऐसे मौके फ्राहम किए जाएं, उनमें ऐसी चीजें लाई जाएं कि जो हमारे नौजवान हैं उनको वहां पर जॉब में असर आ सके, उनको वहां पर नौकरियां मिल सकें, ताकि ये जो बैरून मुल्क जाना, क्योंकि अगर हम सोचें तो जिस आजादी की आज हम बात करें वही वो बैरून मुल्क जाकर वो आजाद तो नहीं होते, जाहिर सी बात है वो उस मुल्क के कानून को, उस मुल्क के आइन को लागू उनके ऊपर हो जाता है, वो आजादी की फिजा को छोड़कर दूसरे मुल्क में चले जाते हैं, कैद होकर रह जाते हैं, और ना सिर्फ कैद होते हैं बल्कि अपनी जो फैमिलीज है, अपने जो बच्चे हैं, अपने जो वालदैन हैं, उनसे भी दूर हो जाते हैं। तो कौन इंसान चाहेगा कि अपने वालदैन को, अपने बच्चों को छोड़कर किसी दूसरे मुल्क सेटल हो और आजादी की जिंदगी छोड़कर वहां पर गुलामी की जिंदगी गुजारे? तो कोई भी इंसान खुशी से शायद ये मैं नहीं समझता कि काम करता होगा, जाहिर सी बात है हर बंदे की मजबूरियां हैं,
तभी वो इतना बड़ा कदम उठाता है कि यार किसी दूसरे मुल्क जाके सेटल हुआ जाए या वहां पर जाके जॉब की जाए। तो ये हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसी चीजें करें, वो ऐसी तब्दीलियां लाए जिससे रोजगार के मौके भी फराहम हो और ये जो महंगाई का सुनामी आया हुआ है हमारे मुल्क में वो थोड़ा सा काबू में आए, ताकि जो इतना बंदा कमा रहा है कि उसके एटलीस्ट दो भक्त की जो रोटी है वो सुकून से खा सके। जी बाबर साहब, अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात की जाए, अगर कोई जाता है तो वापसी आना उसका थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एट अ टाइम पीरियड में वो उससे पहले वो वापस नहीं आ सकता। तो एज अ ओवरसीज पाकिस्तानी वो आज़ादी किस तरीके से मना रहे हैं, वो कितना मिस करते हैं इस आज़ादी को? जी बिल्कुल, हम देखते हैं कि पाकिस्तान में हम जो इस तरह से पाकिस्तानी जश्न आज़ादी मनाते हैं, इसी तरह से दीगर ममालिक में जहाँ जहाँ हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी बसती है, खास तौर पर बरतानिया, हम इंग्लैंड में बात करें या बाकी हम जो हमारे ममालिक सऊदी अरब हो गया, दुबई हो गया, यूएई या दीगर जो ममालिक हैं, जिन जिन ममालिक में हमारे पाकिस्तानी हैं वहाँ पर वो जोश व खरोश के साथ इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। वहाँ पर जो हमारे कौंसल खाने हैं उनके अंदर बकायदा तकरीबात होती हैं और वहाँ पर हमारी जो कम्युनिटी है पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पर उन तकरीबात में वो बकायदा शिरकत करती हैं। ना सिर्फ उन कौंसल खानों के अलावा जो प्राइवेट जगह हैं, जो प्राइवेट सेक्टर हैं, उनमें भी इन तकरीबात को बकायदा जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। और ना सिर्फ जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है बल्कि अपने अपने तौर पर हर बंदा उस आज़ादी को, पाकिस्तान की आज़ादी को सेलिब्रेट करता है। और रही बात आपकी मिस करने की, तो जहरी सी बात है जो बंदा अपनों से दूर हो, तो अपनी फिजा से दूर हो, एक आज़ाद फिजा से दूर हो, किसी दूसरे मुल्क में हो, वहाँ पर जहरी सी बात है वो मिस भी कर रहा होगा, क्योंकि जो 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 जज्बा इस मुल्क में है वो उस तरह से उस वहाँ पर तो वो उस तरह से नहीं सेलिब्रेट कर सकते जिस तरह से वो अपने मुल्क में, अपने लोगों में, अपने बहन भाइयों में, अपनी फैमिली में रह कर उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, कर सकते हैं। तो मिस तो डेफिनेटली वो लोग भी करते होंगे, लेकिन रही बात सेलिब्रेट करने की, तो वो बिल्कुल वहाँ पर जो जिस जिस ममालक में, खासतौर पर हमारे अरब ममालक में हो जाए या बरतानिया समेत जो दीगर ममालिक हैं, तो उन सब ममालिक में जो पाकिस्तानी हैं वो खुलकर जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट करते हैं। सर, जिस तरह देखा जाए तो यौमे आज़ादी का जो दिन था हमें सिखाता है कुर्बानियाँ, लाजवाल कुर्बानियाँ जिस तरह हमारे आबा उजदाद ने दी। और अगर देखा जाए तो अगर घर में कोई बुज़ुर्ग होता है तो वो इस किस्म की कहानियाँ हमें सुनाते हैं कि उन्होंने किस किस मुश्किलों से गुजर के पाकिस्तान को हासिल किया। तो आज की मुनासबत से आखिर में आप बताते चले, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त कम है, तो इस दिन की मुनासबत से हमें क्या पैगाम मिलता है? हमें यही पैगाम मिलता है कि अपनी आज़ादी की कदर करनी चाहिए। और हमारे आबा अजदाद जो बुजुर्ग हैं, हम अगर उनसे सुनते हैं तो उन्होंने जिस तरह से हमें बताया कि वो किस कदर कुर्बानियों से ये मुल्क बना, किस कदर आपके पास टाइम कम है, लेकिन मैं शॉर्ट से, आज एक बुजुर्ग एक इवेंट में थे, वो स्पीच कर रहे थे, तो उनकी वो स्पीच के दौरान तमाम आंखें नम थी। उन्होंने बताया, वो बुजुर्ग इंतहाई ज़हीफ, उन्होंने कहा जब मेरे वालदैन हैं मुझे बताते हैं जब हम पाकिस्तान की तरफ हिजरत कर रहे थे, तो वो कहते हैं कि हमारी डेढ़ साल की हमारी बच्ची थी छोटी सी, तो उसकी डेथ हो गई उस दौरान, तो हम हमारे पास कोई कफन दफन की कोई ऐसी चीज़ मैसर नहीं थी कि हम वो करके, या जहरी सी बात है हम ट्रेन के पास वहाँ पर मौजूद थे, हम लोग पाकिस्तान की तरफ हिजरत करके आ रहे थे, तो वो कहते हैं ना हम जनाजा कर सकते थे, ना कुछ, ना ही कोई ऐसी चीज़ थी जिसको खोद के हम लोग उसको दफन कर सकें। तो उनका कहना था कि हम लोगों ने वहां पर अपनी मदद, आप हाथों से या कोई चीज़ हाथ कोई मैसर हो तो हमने छोटा सा गड़ा खोद कर उसके अंदर डाला, और हम लोग इससे पहले कि ट्रेन चलती या हम लोग आते, तो वो कहते हैं कि हम, मेरे वाले साहब कहते हैं कि जब हमने पीछे मुड़ के देखा तो वहां पर जो कुत्ते थे, वहां पर जो जंगली जानवर थे, वो सारे उस लाश को सूंघ रहे थे, वो उस लाश की तरफ लपके हुए थे, वो जो मासूम बच्ची की लाश थी। तो ऐसे अगर दुख भरी दस्ताने हम देखें तो वो फिर देखें उन वालदेन पर क्या गुजरी होगी जो पाकिस्तान एक नई जगह पर हिजरत तो करने आ रहे हैं, लेकिन पीछे अपनी बेटी को बे यारो मददगार वो बगैर कफन के ना सिर्फ दफन किया, तो दफन करने के बाद भी जानवर उसके ऊपर उनकी आंखों के सामने जो नहीं हमला आवर हो गए, तो उन वालदेन के ऊपर क्या गुजरती है। तो ऐसे में हमें यही मैसेज मिलता है कि हमें अपनी आज़ादी की कदर करनी चाहिए, और ख़ास तौर पर जो हमारे आबा अजदाद हैं जिन्होंने लाजवाल कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने अपनी क्या कहते हैं घर बार की कुर्बानियाँ देकर यहाँ पर माइग्रेट हुए, यहाँ पर आकर हिजरत की, तो उनकी इन कुर्बानियों को हमें फरामोश नहीं करना चाहिए, उनकी इन कुर्बानियों को हमें याद करना चाहिए और मुतहद होना चाहिए,
और कायदे आजम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का जो एक फरमान है, उनका एक जो कौल है कि हम सब को इकट्ठे होना है, मुतहद होना है, इतिहाद ईमान और यकीन मुहकम, उनके इन जो कौल हैं उन पर अमल पैरा होकर इस मुल्क को कौम की खिदमत करें। और ये जो मायूसी के आज साए छाए हुए हैं हमारी कौम पे, इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब ये साए खत्म होंगे और हम दोबारा से तरक्की के जीने पर पहले से ज्यादा बेहतर अंदाज में काम करना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। जी बाबर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो जिस तरह देखा जाए तो अभी बात भी यही की गई है कि हमने पाकिस्तान बहुत कुर्बानियों के बाद हासिल किया है, तो आज हमें उन कुर्बानियों को फरामोश नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए, ये सब याद रख के आज़ादी का मतलब हमें समझ आएगा। तो आज के दिन, आज की मुनासबत से जिस तरह आज हम लोग आज़ादी मनाते हैं, जिस तरह गलियों सड़कों में निकलकर आवारा गर्दी की जाती है, उससे परहेज़ करें और अपने जो आबाओ अजदाद की कुर्बानियों को याद रखें। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको योम आज़ादी मुबारक। इंशाल्लाह एक नए मौजू के साथ हाजिर होंगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।